सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपको इसको बिल्कुल देसी तरीके से बनाने का मेथड बताऊंगी। ना मैं इसके लिए बीबीक्यू इस्तेमाल करूंगी, ना अवन और ना ही स्क्यूअर्स। मैं इसको सिंपली अपने पैन पर, अपने गैस स्टोव पर बनाऊंगी और ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा, तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चिकन टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है, यानी कि हाफ के जी। यहाँ पर मैंने इसको थाइस के पीसेस के साथ लिया है। इसके मैंने थोड़े से छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, 1.5 से 2 इंच के। आप चाहें तो बड़े पीसेस भी ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह के पीसेस लिए हैं इसके। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबल स्पून नींबू का रस लिया है। चिकन के सेकंड मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून एकदम गाढ़ा जमा हुआ दही लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, जिसको कि मैंने रोस्ट कर लिया है। बेसन को रोस्ट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसमें रॉ स्मेल ना हो। 2 से 3 हरी मिर्च का दरदरा सा पेस्ट ले लिया है और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन दोबारा से लिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट। और 1 टेबल स्पून तेल लिया है और ये कुछ पाउडर मसाले लिए हैं। इसमें 1/4 टीस्पून फूड कलर है जो कि ऑप्शनल है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। आप कश्मीरी मिर्च की जगह देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हम तेल लेंगे। आप तेल के साथ आधा बटर और आधा तेल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। हम सबसे पहले चिकन को फर्स्ट मैरिनेशन देंगे। इसके लिए हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, नमक डालेंगे जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और इन चारों इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो दोनों मैरिनेशन के मसालों को एक साथ मिलाकर भी रख सकते हैं, लेकिन चिकन को 2 बार मैरिनेट करने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फर्स्ट मैरिनेशन में आप ये 4 चीज़ें डालिए और आधे घंटे के लिए इसको रख दीजिए, तो चिकन में जो टेस्ट आता है वो बहुत ही ऑसम होता है। हमारे चिकन को फर्स्ट मैरिनेट हुए आधा घंटा हो गया है, तो अब हम सेकेंड मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। अब हम अपने मैरिनेट किए हुए चिकन में दही ऐड करेंगे, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और बेसन। बेसन हमारे सभी मसालों को चिकन में कोट करने में बहुत हेल्प करेगा। और साथ में हम सभी पाउडर मसाले इसमें डाल देंगे। यहाँ पर आप कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके डालिएगा तो इसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। और इन सभी को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम तेल जो है वो बाद में ऐड करेंगे, शुरू में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि तेल ऐड करने से मैरिनेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्योंकि चिकन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। अब हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं मैरिनेशन के लिए। ये देखिए, हमारे चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। तेल ऐड करने से हमारा जो चिकन है वो अंदर से काफ़ी मॉइस्ट और जूसी रहेगा, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, तेल जो है हमने चिकन में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको पैन में फ्राई करेंगे। अगर आप इसको अवन बनाना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, तो आप वहां पर प्लीज़ देख लीजिएगा। अब हम हाई हीट पर एक पैन गरम करेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर आधे बटर और आधे तेल का इस्तेमाल करें तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर स्क्यूअर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में चिकन मलाई टिक्का में मैंने स्क्यूअर्स का इस्तेमाल किया था, तो मेरी बहुत सी ऑडियंस कंफ्यूज थी कि अगर स्क्यूअर्स ना हो तो क्या तभी भी हम चिकन टिक्का को बना सकते हैं। तो जी हाँ, हम बग़ैर स्क्यूअर्स के भी इसको बना सकते हैं। इसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊँगी। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर एक साइड से पकाने के बाद हम चिकन के पीसेस को एक एक करके इस तरह से पलट देंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके हम इसको एक लिड से ढक देंगे
और ढककर हम इसको 9 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि हमारे चिकन के पीसेस टेंडर नहीं हो जाते हैं। बीच बीच में हम इसको पलट भी देंगे। हम बीच में इसको एक बार चेक भी कर लेंगे। अभी हमारे चिकन में थोड़ी सी कसर बाकी है, हम इसको एक मिक्स देके फिर से ढक देंगे। तो टोटल 9 से 10 मिनट लो फ्लेम पर हमने चिकन को पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करके इसका सभी एक्सेस वाटर ड्राई कर लेंगे। हम इसको इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा चिकन जले भी नहीं और इसमें हल्के हल्के ग्रिल टाइप के मार्क्स भी आ जाएं। तो ये देखिए हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और इसमें लाइट से ग्रिल मार्क्स भी आ गए। अब हम इसको एक साइड में शिफ्ट करेंगे और इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम एक कोयले को जला लेंगे। ये देखिए हमारा कोयला जो है 3 से 4 मिनट में जल जाएगा। हम बीच में एक स्टील की कटोरी या फिर फॉइल पेपर रखेंगे और इस पर 1 टेबल स्पून तेल डाल के फ़ौरन ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसकी लिड खोलेंगे और इसके बीच में से ये कोयला और ये फॉइल पेपर को डिस्कार्ड कर देंगे। अभी इसमें एक ट्विस्ट और बाकी है। कोयले के साथ स्मोक करने पर ही हमारे चिकन टिक्का में बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ गया है। लेकिन ये स्टेप जो है जिसमें कि हम इस तरह की नेट पर अपने चिकन टिक्का के पीसेस को प्लेस कर देंगे और ऊपर से हम बटर अप्लाई करके इसको इस तरह से थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे, जिससे कि इसका बिल्कुल मार्केट जैसे चिकन टिक्का का टेस्ट आएगा और कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये चिकन टिक्का अपने घर पर अपने गैस स्टोव पर बनाया है। हमारा एकदम मार्केट जैसा चिकन टिक्का बनकर तैयार है और आई एम श्योर इस चिकन टिक्का को खाने के बाद चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों या फिर आपके मेहमान, वो हैरान हुए बगैर नहीं रह सकते कि आपने इस चिकन टिक्का को अपने गैस स्टोव पर अपने किचन में बनाया है। और इसको बनाने के बाद आप बाहर से चिकन टिक्का मंगवाना बिल्कुल भूल जाएंगे। और आप इस चिकन टिक्का को सर्व कीजिए मेरी बताई हुई हरी चटनी के साथ, दही वाली हरी चटनी और ग्रीन चटनी के साथ। और इसी चिकन टिक्का से आप चिकन टिक्का बिरयानी, चिकन टिक्का बटर मसाला, चिकन टिक्का सैंडविचेस, चिकन टिक्का बर्गर भी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।